हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बनाएंगे न्यूबॉर्न बेबी के लिए नैपी। तो ये नैपी हमारा जैसे 1 महीने से लेके 6 महीने तक के बेबी के लिए आराम से आ जाएगा। तो इसी का मैचिंग मैंने झबला भी बनाया हुआ है, ये भी हमारा न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। इसका लिंक, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के लिए नैपी बनाना शुरू करते हैं। नैपी बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा है। तो कपड़े को ऐसे रख लेंगे, कपड़े की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमें एक पीस कट करना है कपड़े का। तो यहाँ पर मैं 12 इंच रख रही हूँ। जैसे अगर हमारा बच्चा जैसे ज़्यादा हेल्दी है तो 14 इंच भी रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा काफ़ी वीक है बच्चा तो 11 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 12 इंच ले रही हूँ। तो इस साइड से भी हम 12 इंच लेंगे, ये वाइट पार्ट निकाल देंगे, इसके बाहर हमें 12 इंच लेना है। इस तरह लाइन लगा देंगे, यहाँ से भी 12 इंच लिया है और ये लाइन ऐसे लगा देनी है। ये वाइट पार्ट है, इसे हमें निकाल देना है कट करके। इस तरह से 12 इंच लिया है। अब इस कपड़े को हमें इस तरह ट्रायंगल में ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। जैसे यहाँ से फोल्ड किया है, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये भी ऐसे कट करना है। तो ये ट्रायंगल में कटिंग हो गई है। कपड़े को मैंने फोल्ड कर लिया है, जैसे सीधी साइड हमारी ये है अंदर को, और इस तरह से हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो ये ट्रायंगल शेप में आ गया है कपड़ा। इसके बाद हमें यहाँ पे एक लूप देनी है, तो ये डोरी बनाएंगे इस कपड़े की। तो यहाँ पर मैंने वाइट लिया है, ये इसके ये कपड़ा भी हम ले सकते हैं। तो इसका मैंने जैसे ये झबला बनाया है, तो एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है इसका, तो ये मैंने यहाँ पर वाइट लगाया है, इसलिए मैं यहाँ पर भी वाइट ही लगाऊंगी। तो इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये स्ट्रिप्स मैंने ली है यहाँ से, 17 इंच ली है, 17 इंचेस ली है, और चौड़े में ली है 1.5 इंच। अब इस पट्टी को हमें रेडी करना है, जैसे इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे, फिर से एक और फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगा के ये रेडी कर लेनी है। तो ये मैंने डोरी बना ली है, इस तरह नाड़े जैसे बना लेंगे हम। इसके बाद हमें यहाँ से कट करना है, जैसे यहाँ से हम 3 इंच पे कट कर लेंगे, एक लूप हमारी 3 इंच की आएगी। तो ये 3 इंच की कट कर ली है, और ये बाकी जो बची है इसकी हमें 2 बनानी है। ये इस तरह हम कट कर लेंगे, तो ये 3 हमारी बन गई है। अब देखिए कपड़ा हमारा जैसे इस तरह से रखा है, ये हमारी उल्टी साइड है, सीधी इस तरह है। अब छोटी ये टुकड़ा लेना है हमें, इसे इस तरह से ऐसे कर लेना है, और ये हमारा जैसे यहाँ पर इस तरह आया है कॉर्नर, यहाँ पर हमें ऐसे सेट करना है इसे, इस तरह से ये कॉर्नर में ऐसे आएगा, और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी जिससे हिलेगा नहीं हमारा ये। तो एक हमारा यहाँ पे लग गया है, इसके बाद ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमें इस कपड़े को उठाना है और यहाँ ऐसे सेट कर देना है अंदर की ओर, और यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे तो सिलने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर भी हमें ये डोरी है जो हमने बनाई है, इसे भी यहाँ पर सेट कर देना है और पिन लगा देनी है। ये तीनों डोरी हमारी सेट हो गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है, और यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, और 2 इंच का प्लेस छोड़ लेंगे, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इतना सिलाई नहीं लगाना, बाकी हमें यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा दी है सारे में। अब यहाँ से सिलाई नहीं लगाई 2 इंच की, यहाँ से हमें इसे खोलना, इस तरह सीधा कर लेना है। जैसे ये हमारी डोरी है, इसको निकाल लेंगे, बाकी का भी हमें इसी तरह सीधा कर लेना है इसे। तो मैंने सीधा कर दिया है नेपी को। अब जैसे ये लूप मैंने लगाई थी डबल करके, ये हमारी इस तरह से आ गई है। यहाँ पर हमें प्रेस कर लेनी है, जैसे ये यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, यहाँ पर प्रेस कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा एकदम बराबर ऐसे आ जाएगा। चाहे हाथ से भी ऐसे करके कर सकते हैं। तो कपड़े को मैंने सेट कर दिया है। अब जैसे ये सिलाई है हमारी, यहाँ से सिलाई नहीं लगाई थी, अब यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ पूरे में सिलाई लगा देंगे, यहाँ तक सिलाई मैंने लगा दी है यहाँ पर।
अब नेक भी हमारा बनके रेडी हो गया है, तो कैसे पहनाएंगे, जैसे बेबी को ऐसे रखेंगे और ये पार्ट है इस तरह से आएगा, और ये पार्ट है जैसे यहाँ पे इस तरह से बना है हमारा, तो यहाँ से ऐसे डालेंगे, और ये है यहाँ से जितना हमारे बेबी को यहाँ पे आता है उतना हम टाइट करके यहाँ पे बांध देंगे। इसमें चाहें तो बीच में डायपर रख के भी इसे पहना सकते हैं। बेबी के लिए नैपी बन के रेडी है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपने ये नैपी बनाया तो आपका कैसा बना। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो में।